नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। कर्क राशि, सबसे बड़ा उलटफेर 1 सितंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो की सीरीज में मैं बात करने वाला हूं कर्क राशि के लोगों के लिए राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए, कर्क राशि की मैं बात कर रहा हूं और राहु का नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के लिए क्या बदलाव लेकर आएगा। दोस्तों, जब कोई भी ग्रह परिवर्तन करते हैं, चाहे राहु हो या फिर कोई भी ग्रह हो, कोई परिवर्तन हो, चाहे राशि परिवर्तन हो या फिर नक्षत्र परिवर्तन हो या फिर अस्त हो, उदय हो, बकरी हो या फिर मार्गी होना हो, क्यों ना, यानी इन सभी चीज़ों का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर, हर एक राशि पर देखने को मिलता है। और आज हम राहु जैसे ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं कि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं ये कर्क राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव, क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं। क्योंकि राहु ग्रह को पापी ग्रह कहा गया, धूर्त ग्रह कहा गया, मायावी ग्रह कहा गया है। नवग्रह में कहीं ना कहीं राहु एक ऐसा है जिनको मायावी के नाम से जाना जाता है, मायावी ग्रह राहु ग्रह है। अब राहु जो है, राहु के नाम से लोग इनके भय खाते हैं, डर जाते हैं। राहु क्या है, सबसे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कर्क राशि को। तो देखिए, राहु की हम चर्चा कर रहे हैं, राहु शनि का ही एक छाया ग्रह है और शनि के मित्र हैं, राहु की कोई राशि नहीं है। और जब ये अच्छी पोजीशन पे होते हैं तो कोई इनकी लिमिट नहीं होती, इतना देते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई सीमा नहीं होती, हर सीमा को लांघ जाते हैं राहु। राहु और केतु, ये दोनों राहु सिर और केतु धड़ है, मायावी ग्रह क्यों है, क्योंकि राहु वो दे सकता है जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता है। हर एक बाउंडेशन, हर एक लिमिट को पार कर जाता है जब देने लगता है। बस स्थिति अच्छी होनी चाहिए कुंडली में। राहु का कोई राशि नहीं है, कोई यानी कि इसकी सीमा नहीं है। राहु ऐसा यानी कि ये जो व्यक्ति अपने काम को करता है, अपने काम से हटकर काम करते हैं, बाउंडेशन को तोड़कर काम करते हैं, उनके लिए बहुत अधिक एक्टिव होता है राहु। जिसके मन की कभी तृप्ति नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा है राहु। अब राहु कर्क राशि के लोगों के लिए इनके नवम भाव पे विराजमान है, यानी भाग्य भाव पे विराजमान है, मीन राशि पे, नवम भाव पे मीन राशि है और मीन राशि पे इसमें गोचर कर रहे हैं, जो चल रहे हैं। और यहाँ पर नौमा भाव होता है, नौमा क्या होता है, भाग्य का होता है, लंबी दूरी यात्रा का होता है, धार्मिक चीज़ों का होता है, धर्म कर्म पिता का होता है, यानी कि अब यहाँ वैसे तो संतान शिक्षा भी देख सकते हैं, लेकिन खासकर भाग्य का होता है, लंबी दूरी की यात्रा, धर्म कर्म के कार्य पिता का होता है। वैसे तो इस भाव से सब कुछ, यानी आपका भाग्य कितना हर एक चीज़ में, चाहे वो आपका व्यापार हो, नौकरी हो, हर एक क्षेत्र में आपका भाग्य कितना प्रभावी होगा, सभी चीज़ें देखे जाते हैं। तो राहु जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और इनका नक्षत्र परिवर्तन, चूंकि चार चरण का एक नक्षत्र होता है और ये अब अंतिम चरण में नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं 1 सितंबर से ये 10 जनवरी 2025 तक का, यानी कितना प्रभावशाली रहेंगे। हालांकि दोस्तों, ये शनि का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है, तो आपको बता दें कि कोई भी, अगर आप इसमें कोई भी काम करते हैं, चाहे आप पार्टनर में बिजनेस व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, कर्क राशि को आपको लाभ जरूर देंगे राहु, क्योंकि राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो लाभ भी मिलेगा, स्थितियां भी बहुत अच्छी होगी और आपका कोई भी कारोबार अच्छा होगा। क्योंकि यहां पर मीन राशि के स्वामी लाभ भाव पे, एकादश भाव पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब आपके यानी कि इसमें भाग्य में भी वृद्धि होगी, भाग्य आपका चमकेगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी कर्क राशि को, यानी कि कोई धार्मिक यात्रा होगी, धार्मिक ट्रेवल हो सकते हैं, माता पिता विद फैमिली के साथ हो सकता है। यहाँ पर आप धर्म कर्म के कार्य करेंगे, किसी धार्मिक समारोह में शामिल होंगे और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन में जो तनाव था, जो दूरियां थी, वो मिटेंगी। इसमें आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, बहुत ही अच्छी पोजीशन की स्थिति भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर शनि के बारे में भी देख लें, शनि के नक्षत्र में राहु चूंकि परिवर्तन कर रहे हैं, विराजमान है, तो शनि की पोजीशन है अष्टम में और सप्तम में, और शनि अष्टम में बैठे हैं, तो थोड़े से काम में रुकावट का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो रही है और अचानक उसमें रुकावट आ जाए किसी कारण से, जैसे शिक्षा में कोई कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में दे रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो अचानक से कोई दिक्कत, स्वास्थ्य की खराब हो जाए, कोई ना कोई परेशानी, थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। हालांकि इसमें मेहनत करेंगे तो लाभ होगा। सितंबर और नवंबर का महीना, ये दो महीना ऐसे रहेंगे जब आपको अच्छे से अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी,
बता दें कि व्यापार से भी लाभ होगा, नौकरी से भी लाभ होगा और आपके जो व्यापार में अड़चनें आ रही थी उसे दूर करने का प्रयास भी करेंगे। और इसमें आप भागदौड़ में काफ़ी व्यस्त रहेंगे, लंबी लंबी दूरी यात्रा हो सकती है, चाहे वो धार्मिक हो, फिर आप बिजनेस व्यापार के सिलसिले में जा रहे हों या फिर आप नौकरी के सिलसिले में जा रहे हों, परिवर्तन भी देखने को मिलेगा लेकिन मूड में चेंजिंग भी देखने को मिलेगी। कर्क राशि को जैसे मूड में ये चेंज होगा कि अभी किसी की बात यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप बदलाव देखते रहेंगे, हालांकि आपको किसी की बात बुरी भी लग सकती है, कभी नॉर्मल भी हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें भी आपके अंदर चलती रहेगी, बदलाव दिखेगा, हालांकि सोचने समझने की शक्ति बहुत होगी इसमें, अपनी बातों से लोगों को बहुत प्रभावित करेंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या चाहिए, लोगों को प्रभावित करना अपनी बातों से लेकर, तो ये सारी चीज़ें हैं। बस आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है, इन्वेस्ट कहीं पर ना करें, किसी को उधार कर्जा ना दें, किसी के बहकावे में आकर कोई काम ना करें, वैवाहिक जीवन उत्तम, लव पार्टनर के साथ आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। और साथ में देखिए, जितना अनुशासित रहकर काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही पिता के संबंधों में आपकी मजबूती देखने को मिलेगी, पिता से अगर कोई तालमेल अभी तक अच्छे नहीं थे तो पिता के साथ आपके तालमेल अच्छे होंगे, और कोई भी काम अनुशासित करेंगे लाभ होगा, वरना परेशानी भी खड़ी हो सकती है। एक्स्ट्रा लोगों से दूरी यानी जो लव रिलेशनशिप में है, जैसे कि वैवाहिक जीवन में आप बातचीत में गैप ना आने दें, और आप अपने पार्टनर का भी ख्याल रखें, उस गैप को भरने का प्रयास करें। कोई बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर में तो आप अपने पार्टनर को समझें, बातचीत चलाते रहें, नहीं तो थोड़ी बहुत यहाँ पर कोई ना कोई बात को लेकर मिस अंडरस्टैंडिंग, चाहे जीवन पार्टनर को लेकर हो, जीवन साथी को लेकर हो, या फिर जो जिनके साथ पार्टनर में बिजनेस व्यापार करते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ हो सकता है, और इसमें आप विदेश जाने का योग बन सकता है, विदेश जाने का मन जो प्लान बना रहे थे वो आप यानी बना सकते हैं। शिक्षा में आपको कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा, साथ ही बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक से कोई महत्वपूर्ण लोन वगैरह मंजूर होगा, किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और पति पत्नी के बीच भी अच्छे रहेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, कई बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें आपको बस राहु के उपाय जरूर करना है ताकि राहु का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिले, जैसे कि ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। और साथ ही साथ बता दें कि शनिवार के दिन एक रोटी लें और उसमें सरसों का तेल काले तिल चुभर के काले कुत्ते को जरूर खिलाएं। तो ये था कर्क राशि के जातकों राहु का नक्षत्र परिवर्तन का राशिफल आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।